हेलो दोस्तों, नमस्ते। हमने पार्ट वन पे कद्दू की सब्ज़ी बनाने की रेसिपी शेयर किया था आप लोगों को। आज हम बना रहे हैं कद्दू के पराठे। ये लाजवाब पराठे, चटपटा, बहुत स्वादिष्ट है। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए एक बार। आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। हमने लिए है कद्दू, ये बड़ा सा कद्दू का छोटा सा भाग है। और आटा हम ऐसे कद्दू को ऐसे साफ करेंगे, फिर इसको कद्दूकस करना है। हम जैसे कर रहे हैं ऐसे ही करिए, ये मोटा सा भी नहीं है, छोटा सा भी नहीं है, ऐसे करना है। हम अब आटा गूंदेंगे, थोड़ा सा नमक डाल के इसमें और थोड़ा सा पानी मिलाते हुए मैं इसको गूंद रही हूँ। जैसे हम रोटी बनाने के लिए गूंथते हैं ऐसे ही गूंथना है। इसमें ज़्यादा पानी मत डालिए, थोड़ा सा ही डालना है। ऐसे करके, थोड़ा थोड़ा करके आप इसको बना सकते हैं। हमने बना लिया ये। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ, लगभग 10 मिनट के लिए। अब हम चलते हैं कढ़ाई गरम करने। मैंने गैस ऑन कर लिया, इसमें रखती हूँ तेल। थोड़ा सा इसको गर्म होने देते हैं, उसके बाद मैं इसमें रखूँगी जीरा ऐसे। अब मैंने हरी मिर्च थोड़ी सी बारीक करके रखी थी, वही रखूँगी। थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा। अब इसमें डालेंगे शिमला मिर्च और डाल के थोड़ी देर भूनेंगे। इसके बाद इसमें हल्दी, थोड़ा सा ये सब्ज़ी मसाला है और थोड़ा सा नमक, ये जो कद्दू के लिए है। अब ये थोड़ा सा भून गया है, इसमें रखेंगे अब हम ये कद्दूकस किया हुआ कद्दू। इसको चलाते हुए ऐसे पकाना है। अब इसको ठंडे होने के लिए रख देती हूँ। हमारा 10 मिनट हो गया है। अब हम बेलेंगे इसका, इतना जितना मैं निकाली हूँ उतना ही निकालिए, थोड़ा ज़्यादा ही करिए। इसका अंदर का जो पेस्ट होगा ये बाहर नहीं निकालनी चाहिए। तो ऐसे करके ये कटोरी जैसा हो गया है, इसके अंदर हम ये पेस्ट डालेंगे। ये जो पेस्ट होगा ये ज़्यादा भी मत डालिए, नहीं तो बाहर निकल जाएगा, ऐसे बनाने में भी दिक्कत हो जाएगी। ऐसे मोमो बनाने के लिए जैसे बनाते हैं ऐसे ही बनाना है। इसको देखिए, इससे बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलनी चाहिए कुछ भी, नहीं तो सही नहीं होता है, ये आटा ही गीला कर देता है ये सब। अब इसमें थोड़ा सा ये सूखा आटा लगा के मैं इसको बेलूँगी थोड़ी देर ऐसे करके। मैं ये पेस्ट को इधर उधर कर रही हूँ, हर तरफ फैला रही हूँ ऐसे करके। अब हम इसको धीमे से बेलेंगे थोड़ा थोड़ा करके। देखिए पराठा हमारा हो गया। अब हम इसको पकाएंगे, कितना अच्छा दिख रहा है ना। अब हम इसको पकाते हैं ऐसे, थोड़ी देर पकने देते हैं। अब इसमें डालेंगे घी। अब हम इसको दोनों तरफ से अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए, ये दिखने में भी अच्छा दिख रहा है। ऐसे करके आपको पकाना है। अब हमारा पराठा पकने लगा है। देखिए दोनों तरफ से हमने अच्छे से पकाया। ऐसे करके आपको भी पकाना है। चलिए हम चलते हैं सर्व करने। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। हमारी वीडियो अंत तक देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।